नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। अब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां भारत के साथ उसका मुकाबला 15 नवंबर को होगा। इंग्लैंड के 337 रनों के जवाब में पाकिस्तान को अपना यह अंतिम लीग मैच केवल 6.4 ओवरों में जीतने का नामुमकिन लक्ष्य मिला था। पाकिस्तान ने 6.4 ओवर तक 2 विकेट पर केवल 30 रन ही बनाए। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा है कि हमारी एकजुटता फिलिस्तीनियों के प्रति है। कृपया इसराइल को समर्थन देने की बीजेपी की नीति को भारत के रुख के रूप में ना समझें। भारत को इसराइल के साथ सैन्य और रक्षा अनुबंधों को रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को इसराइल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल की सेना ने बताया है कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप के इलाके में लड़ाई रुकी हुई है। सेना ने बताया है कि ये रोक स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक रहेगी, ताकि यहाँ से आम लोग दक्षिण की ओर जा सकें। सेना ने बताया है कि यहाँ से निकलने वालों को सालाह अल दीन रोड का इस्तेमाल करते हुए दक्षिण की ओर जाना होगा। इसराइल की सेना ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गजा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को आज स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे तक खोला गया है, ताकि लोग बाहर निकल सकें। आज फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों हजारों लोग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और मार्बल ऑक के पास एकत्र हुए। उन्होंने हाथ में फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए थे और अभी युद्ध विराम और निर्दोष नागरिकों को मारना बंद करो जैसे नारे लगाए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विरोध प्रदर्शन में मार्च करने वाले कानून का पालन करें। वहीं पुलिस यहूदी समुदाय को आश्वस्त करने के लिए भी कदम उठा रही है। इसराइल में शोक संतप्त परिवार अपने दुख के लिए एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता दें, एक व्यक्ति ने हमास नरसंहार में अपने परिवार के 6 लोगों को खो दिया था। पिछले शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, मैं बेन्यामिन नेतन्याहू पर इसराइल को उसके इतिहास की सबसे बड़ी आपदा की ओर ले जाने का आरोप लगाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उन पर न्यायिक तख्तापलट से देश को तोड़ने का आरोप लगाता हूं, जिसने राज्य को उसके दुश्मनों के सामने ध्वस्त और कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ही पैसों के जरिए हमास को मजबूत किया और रक्षा संगठनों के प्रमुखों की चेतावनियों को अनदेखा किया, और अब मेरे परिवार का खून उनके हाथों पर है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा के सामने चुप रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो सभी स्तरों पर एक वास्तविक खतरा है। ये अभूतपूर्व घटनाएं हैं। झूठे आरोपों के तहत अस्पतालों पर बमबारी एक सामान्य हमला कैसे बन जाती है कि नीचे सुरंगें हैं और सैन्य प्रतिष्ठान हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी अत्याचारों को देखकर हमारी आंखें नम हो गई हैं और दिल टूट गए हैं। ये सब अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई लोग और राज्य जिन्होंने अतीत में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया है, इन सभी अत्याचारों के बीच चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कौन सोच सकता है कि 20वीं सदी में अस्पतालों पर सार्वजनिक रूप से गोलीबारी की जा सकती है। रियाद में अरब लीग शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने कहा कि गजा में लड़ाई बिना किसी पूर्व शर्त के तुरंत रोक देनी चाहिए, पट्टी पर घेराबंदी हटा देनी चाहिए और मिस्र की सीमा पर रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका ही कमांड में है और इस युद्ध में भागीदार है। वो इसराइल को अभूतपूर्व समर्थन और सहायता प्रदान करता है और इस अपराध के लिए पूरी जिम्मेदारी उसकी है। UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने रियाद में एकत्रित नेताओं को संबोधित करते हुए अरब देशों से गजा में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गजा में फलस्तीनियों ने हमेशा मुस्लिम भाइयों की एकजुटता पर भरोसा किया है। आज उन्हें इस एकजुटता को आगे और मजबूत कार्रवाइयों में बदलने के लिए आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम के लिए समर्थन मांगने के लिए सऊदी की राजधानी में हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग जमीन स्तर पर कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गजा स्थित हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अल शिफा अस्पताल में कामकाज रोक दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा के हवाले से बताया है कि अस्पताल में कामकाज ठप हो गया है। प्रवक्ता ने बताया, अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया है। उन्होंने बताया, इस वजह से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। उसकी मौत इनक्यूबेटर के अंदर हुई, वहाँ 45 बच्चे हैं। बता दें, अल शिफा गजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार देर रात BBC को बताया कि इसराइल को गजा पर बमबारी करना और नागरिकों को मारना बंद करना चाहिए। बता दें, ऐसा करने वाले फ्रांस पश्चिमी देशों में पहला देश है।
मैक्रों ने कहा कि बमबारी का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से इसराइल को फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के अपनी सुरक्षा के अधिकार को वो स्वीकार करते हुए हम उनसे गजा में इस बमबारी को रोकने का आग्रह करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्रांस हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है लेकिन बमबारी का कोई औचित्य नहीं है, और कहा कि युद्ध विराम से इसराइल को फायदा होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य नेता भी युद्ध विराम के उनके आह्वान में शामिल हों, मैक्रों ने कहा मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में पीएम मोदी आज सिकंदराबाद पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने तेलंगाना और अविभाजित आंध्र प्रदेश की पिछली सरकारों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो उन नेताओं के पिछले कर्मों का प्रायश्चित यानी माफी करने के लिए यहाँ आए हैं जिन्होंने मडिका समुदाय के अधिकारों पर विचार करने में फेल रहे। उन्होंने आगे कहा, मैं मडिका समुदाय के लोगों से कहूंगा कि आपको जितना बीआरएस से सतर्क रहना है उतना ही कांग्रेस से सावधान रहना है। बीआरएस दलित विरोधी और कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। बीआरएस ने नए संविधान की मांग करके बाबा साहब का अपमान किया और कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस के कारण ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने अनुसूचित जाति के सबसे बड़े घटकों में से एक मडिका समुदाय की रैली को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करने से पहले मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंच पर एमआरपीएस प्रमुख मंदा कृष्णा मडिका भावुक हो गए और रोने लगे, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। बता दें कि इस रैली का आयोजन मडिका रिजर्वेशन पुरोटा समिति ने किया है। पूर्व भाजपा नेता दस्यु सम्राट मलखान सिंह अब चंबल के चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। वो अब तक भाजपा के लिए वोट मांगते थे लेकिन इसके बाद वो पार्टी से बगावत कर कांग्रेस के नेता बन गए और अब इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान मलखान सिंह भाजपा पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बेईमान पार्टी है, भ्रष्टाचारी दल है, यह गरीबों की पार्टी नहीं है। जिन बीजेपी नेताओं को दिल्ली में किसी से मिलने का वक्त नहीं मिलता था वो ही आज गांव-गांव चक्कर लगा रहे हैं। आज क्यों गांव की गलियों में गरीबों के पास फिर रहे हैं? सोचिए कैसी दुर्दशा हो रही है बीजेपी की कि उनके बड़े बड़े लीडर गांव-गांव में फिर रहे हैं। दद्दा मलखान सिंह का दावा है कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और बीजेपी की गरीब विरोधी नीतियों की वजह से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक या दो सीटें भी मिल जाएं तो बहुत होगा। इस बार जनता कांग्रेस के साथ है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा जारी किए गए समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए, साथ ही पत्रकारों को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात पुलिस ने फाइनेंशियल टाइम्स के दोनों पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रूक पार्किन और क्लोए नीना कोर्शिन को एक निवेशक की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया था। ये शिकायत अगस्त महीने में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा OCCRP और गार्जियन के सहयोगी से अडानी समूह के खिलाफ प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले शनिवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने किसानों को 3100 रुपए में धान और 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई चीजों को फ्री में देने की घोषणा की है। शनिवार को जारी घोषणा पत्र में बीजेपी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। अभी केवल लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस योजना का लाभ पीएम उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना की पात्र बहनों को मिलेगा। जनजाति वर्ग के लोगों के विकास के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए देंगे। एकलव्य विद्यालय हर ST ब्लॉक में बनेगा और मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। स्कूली शिक्षा को कक्षा 12 तक फ्री किया जाएगा। हर डिवीजन में मध्य प्रदेश में एक ITI खोलेंगे। एम्स के आधार पर अस्पताल डेवलप करा जाएगा। हर फैमिली को सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में जॉब दिलाई जाएगी। गरीब कल्याण के लिए चावल दाल गेहूं के साथ ही सरसों का तेल और शक्कर कम दाम पर दिया जाएगा। 6 न्यू एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 34 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण और रीवा और सिंगरौली में 2 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। भोपाल इंदौर के बाद ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो ट्रेन देंगे। अटल मेडिसिटी बनाएंगे। हेल्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में दिवाली के बाद विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जाएगा और पास कराने की कोशिश होगी। इसका विरोध होने की उम्मीद कम ही है, लेकिन इस कानून की कुछ और विशेषताएं भी उत्तराखंड सरकार ने शामिल की हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप वाले संबंधों का रजिस्ट्रेशन कराना और विवाह की आयु 18 साल ही रखने की बात शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, इंडिया टुडे आदि ने यह खबर सूत्रों के हवाले से दी है। गीतकार जावेद अख्तर ने इसराइल के द्वारा गजा पर किए जा रहे हमलों में अमेरिका के रुख पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने गजा नागरिकों पर इजरायली बमबारी की निंदा की और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर के प्रस्ताव को वीटो भी कर दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि वो किसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्या वो सोचते हैं कि बाकी दुनिया बड़ी बेवकूफ है। ईडी ने नौकरियों के बदले जमीन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित करीबी संबंधों वाले व्यवसायी अमित कत्याल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक अमित कत्याल की कंपनी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी। AK इंफोसिस्टम का मामला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी और CBI की जांच और जांच के दायरे में है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने पहले भी कत्याल को कई समन जारी किए थे और अधिकारियों ने बताया कि वो लगभग 2 महीने से एजेंसी के समन से बच रहे थे। ईडी के अनुसार कत्याल राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबी सहयोगी हैं। अमेरिकी न्यूज संगठन वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में सोशल मीडिया की आज़ादी को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। उसने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सालों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पदाधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग होती थी। अखबार के मुताबिक ये लोग तय करते थे कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर क्या जा सकता है क्या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल पहले इन मीटिंग्स में एक बड़ा और तीखा मोड़ ले लिया। अखबार का कहना है कि मीटिंग्स में भारत सरकार का दखल बढ़ने लगा। जो अफसर पहले कुछ ट्वीट हटाने के लिए कहते थे, अब वो सीधे अकाउंट्स हटाने की बात करने लगे और एक दो नहीं सैकड़ों अकाउंट्स। नए नियम बने, ऐसे नियम जो पदाधिकारी सरकार की मांगों को अस्वीकार करते हैं उन्हें जेल का जोखिम होने लगा। उनकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बंद किए जाने की धमकियां मिलने लगी। कंपनी के पूर्व पदाधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जो सोशल मीडिया कंपनियां इस तरह के सेंसर की मुखालफत करती थी वो सरकार के सेंसर के प्रति और सहिष्णु हो गई। ये सहिष्णुता खास करके प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वाली पोस्ट हटाने की मांगों के लिए देखने को मिली। एक समय दुनिया भर में सरकारों के दबाव से लड़ने वाली कंपनी ने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सरकारी आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब ने मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को हटा लिया। अक्टूबर में दक्षिण एशिया में बहुलवाद और धार्मिक आज़ादी की वकालत करने वाले 2 अमेरिकी ग्रुप्स के खातों को ब्लॉक कर दिया गया। इसके इतर कथित तौर पर ट्विटर ने PM मोदी और उनके प्रशासन की आलोचना करने वाले पोस्ट और पत्रकारों के अकाउंट हटाए हैं। रिपोर्ट कहती है कि एलन मस्क की कंपनी खरीदने से 1 साल पहले ही प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी। मस्क के आने के बाद अपेक्षा की थी कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो भी कुछ खास मजबूत साबित नहीं हुए। राजस्थान के दौसा जिले में आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस अधिकारी पर एक दलित लड़की से कथित तौर पर रेप का आरोप है। इस घटना के कारण पुलिस स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह ड्यूटी के दौरान अपने सहकर्मी कांस्टेबल के किराए के कमरे में पहुंचा, जहां पड़ोस में रहने वाले दूसरे कांस्टेबल की नाबालिग बेटी खेलने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर किराए के कमरे में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। आगरा पुलिस ने कहा है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 बहनों ने जान दे दी है। दोनों ब्रह्म कुमारी थी। पुलिस के मुताबिक ये घटना आगरा के जगनेर इलाके में हुई। 8 साल पहले ब्रह्म कुमारी संप्रदाय में दीक्षित दोनों भाई बहनों ने शुक्रवार देर रात आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने परिवार, संगठन और UP के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आश्रम के 4 लोगों के एक समूह को अपने खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। बहन ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन 4ों को बलात्कार के मुजरिम कथित धर्मगुरु आसाराम जैसी सजा दिलाने को कहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।